भी मैं कहना चाहूं। तो फिर मुझमें क्या कमी है? कमी क्या है? तू सबकी जिंदगी उठा के देख ले, संगीतकार, गायक, आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर, एक ऐसी चीज है जो इन सब में कॉमन मिलेगी तुझे। क्या? हाँ, पेन, दुख, दर्द, आंसू। जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में। ये सीन है रॉक स्टार मूवी की, जहाँ रणबीर यानी जॉर्डन को पता चलता है कि वो जो बनना चाह रहा है एक आर्टिस्ट, रॉक स्टार, उस चीज़ के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो तो उसके लाइफ में है ही नहीं, पेन, सफरिंग, दुख, दर्द। वो बचपन से इन चीज़ों से कोसों दूर रहा है, उसे ना कभी कोई चीज़ की कमी हुई है, ना वो किसी चीज़ के लिए कभी तरसा है, और ये एहसास होने के बाद वो गाना बजाना छोड़ अपने दिल को तोड़ने निकल पड़ता है। तुम्हें दिख रहा है कि ये लोग हंस रहे हैं तुम पर? तू और मैं रॉक कर देंगे, बता रहा हूँ, सोच के देख। Hey, are you stupid? और वो जिस तरह की बचकाना हरकत करता है उसे देख दिल का टूटना कम और नौटंकी ज्यादा लगता है। और यह चीज जॉर्डन को भी अच्छे से पता होता है कि उसे कुछ हुआ नहीं है, पर फिर भी वो प्रिटेंड करता है। पर क्यों? क्यों वो कैंटीन में खटाना भाई के सामने मुंह लटकाए हुए खड़ा होता है? और इसका सबसे सही जवाब होगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी रेलिवेंट। वो ये दिखाना चाहता है कि उसकी लाइफ भी एक आर्टिस्ट जैसी है। वो फील करना चाहता है कि बाकी रॉक स्टार्स की तरह ही इज ऑल्सो सफरिंग। जैसे जब हम ब्रांडेड कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हीं ब्रांड्स के डुप्लीकेट्स खरीद लेते हैं 100-200 में, क्योंकि हम भी रेलिवेंट फील करना चाहते हैं प्रेजेंट फैशन स्टाइल से, कि हम आउटडेटेड नहीं है, वी ऑल्सो बिलोंग टू द मेन स्ट्रीम फैशन। ये इररेलीवेंट होना किसी को भी पसंद नहीं है। हम सब चाहते हैं कि आई शुड बी सीन, आई शुड बी नोटिस्ड, मैं भी मैटर करता हूँ, आई एम हियर। जॉर्डन भी स्टार्टिंग में यही चाहता है कि लोग कम से कम उसे एक रॉक स्टार की तरह देखे, उसे एक आर्टिस्ट समझे, भले ही वो हो या ना हो। और ठीक जॉर्डन की तरह हम सब भी, स्पेशली यूथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, फेमस और सक्सेसफुल लोगों के सफरिंग और स्ट्रगल पे जरूरत से ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और बस उसी चीज़ से मोटिवेट होते हैं, ताकि हम सब भी जॉर्डन की तरह खुद को रेलिवेंट फील कर सके। जस्ट बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग एंड सफरिंग, आई एम ऑल्सो डूइंग बिग, मैं भी कुछ बड़ा कर रहा हूँ। आज की डेट में मोटिवेशन का मतलब ही हो गया है सफरिंग, स्ट्रगल एंड हार्डशिप। आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, वहाँ भी इन चीज़ों पे ही एम्फसाइज किया जाता है। लोग खुद की भी कहानी जब बोलते हैं तो अपने पास्ट प्रॉब्लम्स को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि कैसे मैं यहाँ था तो वहाँ था, ऐसे था वैसे था। इवन बायोग्राफिकल मूवीज़ अपने देश की और बाहर की भी सफरिंग को बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, क्योंकि ये चीज़ बिकता है। लोग सफरिंग से आसानी से रिलेट कर लेते हैं। स्ट्रगल इज कॉमन इन एवरीवन्स लाइव्स। चाहे आप कुछ करो या ना करो, आपके लाइफ में छोटे बड़े प्रॉब्लम तो आने ही हैं। और इस सफरिंग और स्ट्रगल फोकस्ड कल्चर के कारण नौबत ये है कि आज लोग फेमस इन्वेंटर्स को उनके इन्वेंशन और काम से ज़्यादा उनके सफरिंग और स्ट्रगल से पहचानते हैं। एडिसन बल्ब से ज़्यादा बल्ब बनाने में वो 1000 बार फेल हुए थे लोग इसलिए पहचानते हैं। आइंस्टाइन 4 साल तक ठीक से बोल नहीं पाते थे। निकोला टेस्ला के खिलाफ हिस्ट्री में कॉन्स्पिरेसी हुई थी, बहुत लोग बस उन्हें इसलिए जानते हैं। और स्टीफन हॉकिंस को बस एक पैरालाइज्ड साइंटिस्ट के नज़रिए से ही देखते हैं। उनका थियोरी क्या था, उन्होंने क्या नया खोजा, वो काम कैसे करते थे, उनका वर्क एथिक्स क्या था, पीपल डोंट केयर। व्हाट पीपल केयर? मेरी पेंटिंग्स नहीं बिक रही है तो मैं सोचूंगा कि यार पिकासो की भी पहली 7 पेंटिंग्स नहीं बिकी थी। मेरा किताब पब्लिश नहीं हो रहा तो मैं भी बोलूँगा जेके रोलिंग, ऑथर ऑफ हैरी पॉटर, उन्हें भी फर्स्ट 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। ये भी डिसलेक्सिक थे यार, वो भी हैंडीकैप थे, उन्हें भी तो लड़की छोड़ के चल गई थी, वो भी गरीब थे। और ऐसा सोच के हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला तो मिल जाता है, हम अपनी बुरी कंडीशन को जस्टिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ ये स्ट्रगल और सफरिंग ओरिएंटेड विजन रखने के कारण हम सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन सभी सक्सेसफुल लोगों के लाइफ से मिस कर देते हैं। उन लोगों ने स्ट्रगल तो किया, बहुत कठिनाइयों का सामना किया, बट दे ऑल्सो हैड फन डूइंग देयर वर्क। वो लोग अपने काम को इंजॉय भी बहुत करते थे। फन, ये फन शब्द है ना, स्ट्रगल के जैसे ही ये आपको इन सभी सक्सेसफुल लोगों के लाइफ में कॉमन मिल जाएगी, चाहे वो साइंटिस्ट हो, इन्वेंटर हो, बिजनेसमैन हो या फिर आर्टिस्ट हो। दे ऑल इन्जॉयड देयर वर्क, देयर क्राफ्ट। फन इज फंडामेंटल टू एनी ग्रेट वर्क। इफ एडिसन वॉजेंट हैविंग फन मेकिंग द लाइट बल्ब तो वो 1000 बार फेल होने से बहुत पहले ही गिव अप कर देता। यदि आपको आइंस्टाइन से कुछ सीखना है तो ये सीखो कि दैट पर्सन हैड फन थिंकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस। रामानुजन हैड फन प्लेइंग विथ नंबर्स। इवन जिम मॉरिसन, जो जॉर्डन का रोल मॉडल होता है मूवी में, जिम मॉरिसन्स लाइफ वॉज नॉट अबाउट सफरिंग। यदि आप जिम मॉरिसन से 50 चीज़ें सीख सकते हो ना, तो उसमें एक भी सफरिंग नहीं होगा।
He enjoyed his life. He enjoyed performing on the stage and writing songs. वो बहुत ही carefree और बिंदास आदमी था. जोकर के जैसे वो भी एक nihilist ही था. No rules in life. He wanted to have fun and he had fun. और कोई भी काम में fun is the most important thing. There has never been a breakthrough invention without having fun. बाकी चीज़ें भी important है, no doubt. जैसा कि मैंने कहा कि struggle stories से हमें हौसला मिलता है, हमें hope मिलता है. पर विदाउट हैविंग फन इन योर वर्क आपके स्ट्रगल की कोई मीनिंग ही नहीं रहेगी. और अगर आप अपने काम को इन्जॉय कर रहे हो, इफ़ यू आर हैविंग फन, तो आप किसी भी कठिनाई को झेल सकते हो. इसलिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्ट्रगल एंड सफरिंग, वी नीड टू फोकस ऑन हैविंग फन. पाथ टू सक्सेस इज इन हैविंग फन. हमें चाहिए कि हम अपने काम को इन्जॉय करें. हमें वो काम करना चाहिए जिसे हमें किक मिलता हो. And luckily, sometimes our work turns out to be important.